Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, वापस से बच चुके हैं सुबह के 8 और आज है मंडे. तो मंडे को जैसा कि आप सभी को मालूम है, दो दिन का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करते हैं, यानी कि संडे का और मंडे का. तो दोस्तों दो दिन के अंदर देश में दुनिया के अंदर क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट हुआ जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, हमारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो उम्मीद है आप इसे रेगुलर देखते रहेंगे, शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी बच्चे देख सके और पूरी तरीके से फायदा उठा सके. तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो शेयर कर दो ताकि सारे काफी बच्चे ज्वाइन कर सके. काफी बच्चों को लगता है कि क्लास जो है वो 8-10 तक स्टार्ट होती है, तो काफी बच्चे जो है वो 8-10 तक ज्वाइन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको शेयर कर देना चाहिए ताकि सभी बच्चों को पता लग सके. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमेशा की तरह जानते हैं कि अगर मेरे को अभी मेरे कौन कौन से कोर्सेज है जो कि अनअकैडमी के ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेक्शन. भी रेफरल कोड लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHUNESH भुनेश 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं. आपको 10% ऑफ के साथ में सभी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी. ओके, और रेलवे में दोस्तों मेरा ये वाला कोर्स खत्म हो चुका है. 5 तारीख से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं कंप्लीट GK जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूं. साथ में 111 टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं. बैंकिंग के अंदर दोस्तों IBPS खत्म हो चुका है. LIC मेंस है जो कि शुरुआत होने वाला है, उसका जनरल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये सब मैं आपको करवाने वाला हूँ 5 दिसंबर से. और CGL के अंदर जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट कर रही है अभी मैंने कुछ टाइम पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. पुराने PDF और वीडियोज आपको मिल जाएंगे. चलिए सैटरडे की तरफ चलते हैं. सबसे पहले सैटरडे के कौन कौन से क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं. निम्नलिखित में से कौन 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि आपकी पहली कंपनी बन गई है. भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 के अनुसार पिछले साल से भारत में रिश्वतखोरी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो भाई 10% की कमी है जो कि आई है. न्यूजेन मोबिलिटी समिट दोस्तों हरियाणा में करवाया जा रहा है. द लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड और यहाँ पे रेजिलियंस 2019 इसको नई दिल्ली में करवाया गया है. दीपिका कुमारी दोस्तों आर्चरी की प्लेयर है. CM के रूप में उद्धव ठाकरे की कार्य कर्म की अगर मैं काल कर्म की बात करूं तो 18वें CM है जो कि ये बने हैं मुंबई महाराष्ट्र के. हाल ही में पहली बार किस देश को यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है? और यह है सऊदी अरेबिया. किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिल्की वे में एक बड़े पैमाने पर ब्लैक होल की खोज करी है? और यह है चाइना. किस शहर ने 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया? कहां पर? लखनऊ के अंदर किया गया है. 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में किस शहर में हुआ है? सभी को मालूम है गोवा के अंदर हुआ है, रशिया पार्टनर कंट्री था. अभी चलते हैं शोएब अख्तर के द्वारा कोट ऑफ द डे क्या कहा गया है वो देखते हैं. कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट, एक दिन के लिए बारात में 20 गाड़ियां, ढोल, DJ, ताशे बजाने से कोई आपके अम्मानी नहीं समझ लेगा. एक दिन शेरवानी, घोड़े पे बैठ के नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बन के काम करना पड़ेगा. विवाह और शादी समारोह को सिंपल सादे तरीके से करें, दहेज देने से परहेज करें, दिखावटी दुनिया से बाहर निकले और हकीकत का सामना करें. अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें. एक संकल्प जरूर करें, न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और न ही कर्ज वाली बेटी देंगे. तो यहां पे दोस्तों एक काफी अच्छी बात है जो कि इनके द्वारा आजकल सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को देखकर जो है मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है वो भी हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरफ जो है मूव करती है. शादियों के अंदर एक्स्ट्रा जितना भी है खर्चा करने की कोशिश करते हैं, चाहे लोन लेना पड़े चाहे उधारी करनी पड़े. तो गाइज मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो शादी के अंदर सिर्फ 10 रुपए ही खर्च करने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. तो कभी भी कर्ज लेकर या किसी भी तरीके से शादी को बड़ा चढ़ा के दिखाने से कोई अंबानी नहीं
समझ लेगा। और अंबानी ने भी शादी करी है तो वो अंबानी है, ठीक है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी के बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो यकीन मानिए दोस्तों, सादे तरीके से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को कि आप 100 तरीके का खाना खिला रहे हैं या 10 तरीके का। जो आपको जानता है, पहचानता है, जो वो जरूर आएगा और वो 10 में भी खुश रहेगा, कोई इससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि ये लास्ट वाली लाइन जो है जरूर ध्यान रखेंगे, ना तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और ना ही कर्ज वाली बेटी देंगे। तो ये आप ही लोगों के बोलने से और साथ में करने से चीजें आगे बढ़ेगी। अगर आप लोग इनिशिएट नहीं करोगे तो फिर देश के अंदर कौन करेगा, ठीक है ना। चलो तो आगे बात करते हैं सर। और आज बहुत कुछ है जो कि आज हम जानने वाले हैं ना, आज बहुत सारी न्यूज है। संडे के न्यूज़पेपर में तो ऑब्वियसली कमी होती है, लेकिन अगर हम मंडे की बात करें आज की, तो आज काफी सारी न्यूज है जो कि आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे अभी टाइम पे ज्वाइन कर सके, ठीक है ना। चलिए तो संडे की बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे यहाँ पे गोटबाय जी ने बोला है कि भाई सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया श्रीलंका के बीच में उसको क्लियर करेंगे। इंडिया और बाकी सब देशों को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए श्रीलंका में ताकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने दोस्तों फ्लोर टेस्ट जो है उसमें जीत हासिल कर ली है। 145 सीटें वोट चाहिए थे, 169 मिले इनको, है ना, तो आराम से। और बीजेपी को वॉकआउट करना पड़ा। 65% टर्नआउट है जो कि यहाँ पे झारखंड के अंदर रहा है दोस्तों अभी इस इलेक्शन के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के को यहाँ पे सिटीजनशिप लॉ के अंदर बोला गया है कि जो अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको हम शील्ड प्रोवाइड करेंगे इस इम्पैक्ट से, तो ऐसा यहाँ पे होम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों ठीक है, एनआईए के द्वारा काफी सर्चेस करी गई है ना, तो उसको लेकर है। इसके अलावा यहाँ पे हैदराबाद के अंदर आपको मालूम है जो अभी रेप केस हुआ है उसको लेकर काफी देश में प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और दिल्ली के अंदर भी सेफ्टी को लेकर वापस से बातचीत करी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गोलकंडा फोर्ट को लेकर यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रंट पेज पे हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हम देखते हैं पेज नंबर 8 की तरफ दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यहाँ बात करेंगे दोस्तों, किसके बारे में, हमारे इसरो के मिशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो दोस्तों प्रिपेयर कर रहा है अपनी 50वीं फ्लाइट PSLV, जो कि हमारी वर्क फोर्स मानी जाती है हमारी इसरो का। PSLV C-49 मिशन दोस्तों 11 दिसंबर का शेड्यूल्ड है, ठीक है। और 49वां PSLV मिशन जो है वो भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से करवाया जाएगा, जिसके अंदर कुछ फ्लाइट्स को भेजा जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे लिए जो बात करी गई है वो 50वीं फ्लाइट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी 50वीं फ्लाइट होगी PSLV के द्वारा, पहली बात तो वो QL वेरिएंट की होगी। इसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, तो QL वेरिएंट पहले भी हम यूज कर चुके हैं। C-45 हमने C से भेजा था, PSLV C-45, ठीक है। अभी PSLV जो 50वां मिशन होगा इसके तहत हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 10 सैटेलाइट को भेजने वाले हैं, जिसमें इंडिया की भी एक सैटेलाइट है RESET 2B R1। ये सैटेलाइट है जो कि हम इस 50वें मिशन के साथ में भेजने वाले हैं। और इसके अलावा जो है 9 स्मॉल सैटेलाइट भी जो है हम लोग भेजने वाले हैं। तो आपसे पूछेंगे 50वें मिशन में क्या भेजने वाले हैं, तो RESET ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, समझ गए। PSLV C-45 अभी 27 नवंबर को ही भेजा गया था, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ठीक है, काफी प्रोग्रेशन है जो कि इसरो के कई सारे मिशंस के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। और पेज नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक जबरदस्त डाटा है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर है। आपको मालूम है दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स हमारे देश के अंदर काफी यूज करी जाती है। अगर कोई वायरल डिजीज होता है ना, तब भी लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, समझ रहे हो। एक्चुअली के अंदर एंटीबायोटिक ली क्यों जाती है, ताकि कोई बैक्टीरिया, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक ली जाती है। इसी तरीके से एंटीवायरल वायरल गोलियां होती है जो कि वायरस को मारने के लिए ली जाती है। हमारे यहाँ पे तो कोई भी बीमार होता है तो हाथों हाथ जो है एंटीबायोटिक पकड़ा दी जाती है, भाई ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, 500 मतलब ये देखो आप, ठीक है, 51 करोड़ के आसपास प्रिस्क्रिप्शन जो है पिछले 2013 अप्रैल से अप्रैल 2014 के बीच में यूज करे गए। मतलब नॉर्मली 1000 लोगों के ऊपर जो है ना 412 प्रिस्क्रिप्शन है जो कि जारी करे गए हैं पर ईयर, ओके, जो कि USA सभी देशों से ज्यादा है। 55% जो प्रिस्क्रिप्शन मिले हैं वो रेस्पिरेटरी जो आपके डिजीज होते हैं सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर, ठीक है, कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है किसी प्रकार से। 10% जो है वो जेनिटो
ठीक है जी, यह यूरिनरी सिस्टम को लेकर है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 4 साल तक के बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर दोस्तों काफ़ी हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट है जो कि यहाँ पे देखी गई है। पब्लिक हेल्थ ठीक है फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसकी जांच पड़ताल करी गई। हाईएस्ट रेट मैंने जैसे कि आपको बताया छोटे बच्चों में पाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन रेट पैटर्न को लेकर इस तरीके से कोई पब्लिकेशन किया गया है। ठीक है, तो ज़रूरी क्या होता है कि एक तो आप बाद के ऊपर एंटीबायोटिक ना लिया जाए। प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे भी ऐसा होता है कि लोगों को बोलते हैं कि भाई एक लेनी है तो लोग दो ले लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, हरे पत्ते की गोली, हाँ ओके तो सिर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, कोई सा भी दर्द हुआ, खटाक से जो है वो गोलियां ले लेते हैं अपने आप, है ना। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि भाई यहाँ पे क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉलो होने की बहुत ज़रूरत है। ये एक बार, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका, देखो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई हेडेक हो रहा होता है या कोई भी बॉडी पेन हो रहा होता है तो भाई ऐसा नहीं होता कि आपको हाथों हाथ कोई भी जो है वो गोली लेनी पड़ती है, चाहे तो वह आपकी भाई वो कॉम्बोफ्लेम ही हो, चाहे वो पेन रिलीफर हो, चाहे वो पेन रिलीफ करने के लिए हो या फिर आपको एंटी बैक्टीरियल हो। अगर होता क्या है कि बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है तो आप अगर बॉडी को थोड़ा रेस्ट दोगे, देखो सिंपल सा तरीका अपनाया करो, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, अपनी डाइट जो है वो इम्प्रूव करो, ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, है ना, फाइबर वाली चीज़ें खाओ, दलिया वलिया खाओ, ओके, थोड़ा सा फिर वापस से रेस्ट दोगे ना तो हो सकता है 70 मतलब नियर बाय मेजरली जो प्रॉब्लम्स होती है ना आपकी हेडेक की हो गई या बॉडी पेन की हो गई ये सही हो जाती है, समझ गए। लोग होता क्या है कि भाई कोई प्रॉब्लम हुई सबसे पहले गोली खाते हैं बाद में रेस्ट करते हैं। एक बार आप रेस्ट करके देखो बॉडी के अंदर वापस से इम्यूनिटी सिस्टम आपका रिकवर करेगा और आपका जो अंदर बैक्टीरिया है जो वायरस है उसको मारकर आपकी बॉडी को सही कर देगा। अगर हाँ एक दिन तक दो दिन तक नहीं होता है कोई प्रॉब्लम है उसके बाद आप डेफिनेटली डॉक्टर से जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लो और जो भी मेडिसिन है आपका जो भी है उसको लो, लेकिन पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ही ना पड़े, समझ गए। तो ये बात जरूरी है, होता क्या है कि जब आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने लगते हो तो आपके बॉडी के बैक्टीरिया भी यूज हो जाते हैं और उसके बाद में आपके जो नॉर्मल डोज होता है वो काम नहीं करता है। ऐसा होता है ना, आपने घर में देखा होगा ना कि जो लोग पहले एक गोली मतलब रेगुलर जो गोलियां खाते रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है वो गोलियां काम करना बंद कर देती है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। फिर उसके बाद में डोज जो है वो बढ़ाना पड़ता है या गोलियां बढ़ाने आप ज्यादा गोलियां खाने लग जाते हो तो ये गलत चीज है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर 17 की तरफ और यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स से जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो यहाँ पे है। एक तो इंडिया ने डेविस कप के अंदर पाकिस्तान को 4-0 से जो है वो हरा दिया और वर्ल्ड ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल हो गया है, ठीक है। पाकिस्तान के ये कजाकिस्तान नूर सुल्तान के अंदर ये मैच हुआ था डेविस कप का और एशिया ओशाना ग्रुप का था ये और अभी भारत ने यहाँ पे जीत के अपनी जो लेवल है उसको वर्ल्ड ग्रुप के अंदर भारत ले गया है, समझ गए। मैंने डेविस कप के बारे में आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि डेविस कप की जो शुरुआत है वो 1900 सेंचुरी के अंदर डेविस कप की शुरुआत करी गई थी, डेविस करके एक पर्सन थे उन्हीं के द्वारा करी गई थी, ओके। नंबर ऑफ टीम्स की बात करें तो वर्ल्ड ग्रुप के अंदर दुनिया की जो बेस्ट 18 टीमें होती है ना, बेस्ट 18 टीमें दुनिया की वो है जो कि कंपीट करती है वर्ल्ड ग्रुप के अंदर और भारत इसके अंदर शामिल हो गया है, ठीक है। रिसेंटली बात करें तो अभी स्पेन ने दोस्तों आप सभी को मालूम है डेविस कप लास्ट जो है वो जीता है, स्पेन है जो कि करंट के अंदर चैंपियन है, सबसे ज्यादा यूएसए ने जीते हैं, समझ गए। तो फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि वर्ल्ड ग्रुप के अंदर 16-18 टीमें होती है, ठीक है, और उसके बाद में ग्रुप्स होते हैं अमेरिका जोन 2, अमेरिका जोन 3, अमेरिका जोन, है ना, एशिया ओशियाना 2 ऐसे करके, तो यहाँ से जीत के आपको टॉप टीम को ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पे अभी जो लास्ट मैच था वो लेंडर पेस के सामने जो थे वो 17 साल के पाकिस्तान के प्लेयर थे और लेंडर पेस का खुद का एक्सपीरियंस थी 24 साल का है, मतलब जब इन्होंने लेंडर पेस को खेलते हुए 6 साल हो गए थे तब ये अपोजिशन में पाकिस्तान के प्लेयर थे, इन्होंने ये लोग पैदा हुए थे, ठीक है। तो 4-0 से भारत ने सिंपल तरीके से यहाँ पे जीत लिया और 2020 के जो है ना वर्ल्ड ग्रुप के क्वालिफायर के अंदर शामिल हो गया है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 18 की, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल यहाँ पे तूर को लेकर, तेजिंदर पाल तूर को लेकर बात करी गई है। स्टार शॉर्ट पुटर है हमारे तेजिंदर पाल सिंह तूर, वो इंडिया के फ्लैग बेरर होंगे साउथ एशियन गेम्स के अंदर, साउथ एशियन गेम्स के अंदर हमारे फ्लैग बेरर कौन होंगे, तेजिंदर पाल तूर होंगे, ध्यान रखिएगा, जो कि काठमांडू के अंदर करवाए जाएंगे, समझ गए, काठमांडू के अंदर होने वाले हैं साउथ एशियन गेम्स।
आगे बात करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू की तरफ। आज दोस्तों अब बहुत सारी न्यूज है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी कुछ नई चीजें हैं जो कि आपको सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो भाई वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स को लेकर। तो भाई बहुत ले लिए मजे आपने जियो के, एयरटेल, वोडाफोन के। अभी जो है दोस्तों 40-45% प्राइस है जो कि बढ़ने वाली है। कितना परसेंट? 40-45%, समझ गए? बहुत मजे ले लिए सस्ते में जियो के। 40-45% जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में बीसीसीआई की यहाँ पे मीटिंग हुई है दोस्तों। लोडा कमेटी के जो रिफॉर्म थे उनको अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अभी यहाँ पे जो चेंजेस है उनके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस के जो है वो बन चुके हैं यहाँ पे पटोले जी है जो कि स्पीकर बन चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। दिल्ली गवर्नमेंट ने मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया निर्भया केस के अंदर जो दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु के अंदर गैंगरेप केस को लेकर भी सर्चिंग करी जा रही है। आरटीआई को लेकर यहाँ पे बताया गया एक हिस्ट्री शीटर था, बार बार पे पुलिस इसको उठा के लेके जाया करती थी। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के शहर के अंदर नाम होते हैं हमेशा, कोई भी उड़दंग होती है, कुछ भी बात होती है तो पुलिस सबसे पहले उनको ही उठाती है। तो यहाँ पे एक वैसे करके एक आदमी था, हिस्ट्री शीटर था, और उसको बार बार पुलिस लेके जाया करती थी। तो उसने आरटीआई लगा के पता किया कि मेरे ऊपर कितने केसेस है और मेरे को बार बार पुलिस क्यों परेशान करती है। तो उसको जवाब है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसको खुद को नहीं पता कि उसको क्यों लेके जाया जा रहा है बार बार। यहाँ पे इंडिया और जापान को लेकर बात करी गई है, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को जापान भी जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपको मालूम है इंडिया और जापान के बीच में 2+2 एक्सरसाइज को लेकर भी बात करी जा रही है, 2+2 डायलॉग। आप जैसे कि इंडिया और यूएसए में होता है ना, वैसे उसी प्रकार से, ठीक है। और साथ में आपको मालूम है जापान ने बोल भी दिया है कि अगर आरसीईपी के अंदर इंडिया नहीं होगा तो उसका भी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेजर मार्केट इंडिया ही है यार सभी देशों के लिए। आपको मालूम है हर छठवां जो है दुनिया में भारतीय है, तो सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल और जियो के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लॉसेज है जो कि इनको लगे हैं, और जो इनको पैसा भी देना है आपको मालूम है 40-40 हज़ार करोड़ रुपए एडीआर के तहत, है ना। एडीआर के तहत दो तरीके के पैसे हैं, एक तो लाइसेंसिंग फीस है, ओके, और एक तो इनके स्पेक्ट्रम की जो फीस होती है, एक तो वो वाली पे है। और उसके अलावा बात करें, ठीक है, तो इनको जो है इनके एसेट की जो पैसे थे जो इन्होंने एसेट से कमाए थे वो भी इनको देना है, समझ गए? तो वो भी इनको देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी बड़े लॉसेज हो गए थे, तो अब दोस्तों यहाँ पे ये बात आ गई है कि फाइनली जो है इन्होंने रेट बढ़ाने के लिए बोल दिए हैं। रेट दोस्तों कोई 10% 15% नहीं बनी है, और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर स्कीम के तहत दोस्तों, ठीक है, इनको पैसे जमा करवाने हैं, ओके। और यहाँ पे कुछ टाइम है डेफिनेटली जो कि इनको दिया गया है एडीआर के तहत, और उसी की रिकवरी के लिए तीनों कंपनियों ने दोस्तों क्या कर दिया है, साफ बोल दिया है कि अब प्राइसेस बढ़ेंगे और सभी लोग इतने ही बढ़ाने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक कंपनी बढ़ाती तो लोग जो है उसकी कंपनी को छोड़ देते, लेकिन अभी सारी कंपनी बढ़ाएगी तो लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है, और लोगों को जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो एडीआर वैसे क्या था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एडीआर जो है वो था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, ओके, कि स्पेक्ट्रम जो है 1999 के अंदर जो है एक रूल आया था कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा शेयरिंग को लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, ठीक है, शेयरिंग सिस्टम आया था। तो उसके अंदर लाइसेंस फीस था, और एक तो असेट के से जो इन्होंने पैसे कमाए ना, ठीक है, एक तो वो वाले पैसे थे और एक स्पेक्ट्रम के जो पैसे थे। तो इन्होंने बोला कि हम तो ये वाला देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो एसेट से पैसे कमाए वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो डेटा था वो कोई सारी कंपनियों का मिला के कोई 92,000 करोड़ के आसपास था, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया तीनों को मिलाकर, तो काफ़ी लार्ज अमाउंट था, समझ गए? तो एक तो वो भी इनके ऊपर बाहर है, और ऊपर से काफ़ी बड़े लॉसेस जो कि इनको लगे हैं। और आपको मालूम है पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, ठीक है, पहले के टाइम पे हुआ करता था कि मेजरली जो इनकी इनकम हुआ करती थी वो इंटरनेट के चार्जेस से हुआ करती थी, ओके, और अभी जो है वो बढ़ा दिए गए। तो अभी आपका जियो जो है वो दोस्तों 3 महीने का कोई 600-700 रुपए जो कि पड़ने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं बीसीसीआई को लेकर। बीसीसीआई ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम करी संडे को, और कई सारे अमेंडमेंट है जो कि करे, 6 न्यू इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अप्रूव यहाँ पे एड ऑन करे गए हैं।
समझ गए। सबसे पहले तो दोस्तों ये कि पहले क्या हुआ करता था कि बीसीसीआई के अंदर कोई भी बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करना है तो सुप्रीम कोर्ट से करवाया जाता था। अभी इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा पावर की बात करें कि उनके जो ऑफिस बियरर्स है, अपेक्स काउंसिल है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है ना, इन सबको लेकर, और 70 साल की जो कैप थी, अगर आपको आईसीसी के अंदर जाना है तो 70 साल का होना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, तो वो भी हटा दिया गया है। समझ गए, हर एक अमेंडमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले चीज को भी हटा दिया गया है। ओके, इसके अलावा जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनके टाइप्स को लेकर बोला गया है, उनके साथ में भी वो डील करी जाएगी, मतलब उनको भी है ना। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि यहाँ पे हुई है, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट यही था कि लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिश थी अभी वो लागू नहीं करेगी, और अब हर चीज के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। तो सेक्रेटरी कौन है अभी यहाँ पे, अमित शाह के बेटे जय शाह, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सौरव गांगुली है और ये ट्रेजरर अरुण सिंह है जो कि अनुराग ठाकुर के भाई हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 2। और यहां पे जो बात करी गई है दोस्तों वो सिक्योरिटी को लेकर बात करी गई है, किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो पेंडिंग है सिटी कोर्ट्स के अंदर, उसके बारे में बात करी गई है। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अगर यहां पे दोस्तों दिल्ली की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो 2015 में 14,000 केस है जो कि रजिस्टर्ड करे गए, अभी 2017 में 11,000 11,500 है, यानी कि कम हो गए हैं। मुंबई के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बैंगलोर के अंदर जो है वहां पे भी बढ़े हैं, और हैदराबाद के अंदर जो है वहां पे थोड़े से घटे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेजर मेजर सिटीज में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा केसेस मुंबई से 3 डबल है दिल्ली के अंदर जो केसेस महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर करे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस भी दिल्ली के अंदर ही है, पूरी 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर अगर आप देखोगे, समझ गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब होता है 10 लाख से ज्यादा की जिनकी पॉपुलेशन है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस है जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, ओके। इसके अलावा 28% टोटल केसेस जो है वो आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें तो 11,000 11,500 हुए, और इसके अंदर मात्र 4,000 केसेस के अंदर ही जो है वो चार्जशीट जारी करी गई, यानी कि जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत ज्यादा लो है। आप देख सकते हो दोस्तों, चार्जशीट रेट तो है वो तो 74% के आसपास है, और पेंडेंसिंग परसेंटेज जो है वो 56% के आसपास है, ठीक है। 13,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, कन्विक्ट उसमें से मात्र अभी तक 807 लोग हुए हैं। तो ये जो डर होता है ना, जो होता है एक लॉ का लेकर, वो डर दोस्तों बनाने के लिए जो केसेस है उनका डिस्पोजल बड़ा फास्ट होना चाहिए। जब समाज में ये एक बात जाती है ना कि यार केसेस तो पेंडिंग चलते रहते हैं, तो लोग क्या होता है डरते नहीं है कानून से। अगर जल्दी जल्दी इस तरीके से केसेस पे जो है सजा सुनाई जाए और कन्विक्शन रेट बढ़े, जो कि सही होने चाहिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी के अंदर कुछ भी हो जाए, कन्विक्शन रेट जो है वो सही अगर हो जाए तो डेफिनेटली दोस्तों कि क्राइम के अंदर थोड़ा सा हमको रेट जो है वो कम देखने को मिल सकता है। तो कन्विक्शन रेट आप देख सकते हो मात्र 33% हमारे कन्विक्शन रेट है। आगे बात करें पेज नंबर 3 की, तो यहां पे पेज नंबर 3 की बात करेंगे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पे जो है एक छोटी सी न्यूज है डिप्टी सीएम को लेकर, ये वाली वो है दोस्तों जो कि यूथ फेस्टिवल को लेकर है। तो डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया दिल्ली के, उन्होंने इनॉग्रेट किया 9th एडिशन यूथ फेस्टिवल का, जो कि दिल्ली के अंदर आयोजित करवाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछेंगे यूथ फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, ओके। ध्यान रखिए 6 दिन का है, डांस थिएटर म्यूजिक ये सब है जो कि इसके अंदर इंक्लूड करे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे एक बच्चा है जो कि गुजरात पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो गया है, राठौड़ हर्षद कि यहां पे गुजरात पुलिस में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अर्शद। नेक्स्ट बात करते हैं आगे दोस्तों पेज नंबर 8 की, और यहां पे भी एक और छोटी सी न्यूज है जो कि है दोस्तों मिसाइल ट्रैकिंग शिप को लेकर। तो इंडिया अपना फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है, वो कंप्लीट होने वाला है, और नेवी को एक न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पे देने वाले हैं। 2014 के अंदर इसको बनाना चालू किया था, और एक्स बैंड के साथ में सेकेंडरी एस बैंड के साथ में इलेक्ट्रिकली स्कैंड रडार है जो कि इसके ऊपर लगा रखे हैं। 300 लोग रह सकते हैं, हेलीकॉप्टर उतर सकता है, मिसाइल ट्रैकिंग अल्टरनेट ये सब इसके अंदर लगा रखा है। तो विशाखापट्टनम के अंदर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक और है न्यूज जो कि यहाँ पे मंकी पार्क को लेकर है। अभी देखो क्या है दोस्तों कि
कर्नाटका में क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि एक मंकी पार्क है जो कि बनाया जाएगा, ओके, ह्यूमन हैबिटेशन के पास में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट ये हुआ है कि कुछ डिजीज होते हैं दोस्तों जो कि काफी सालों पहले भी आए हुए थे, जस्ट बिकॉज मंकीज जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन जहाँ पे इंसान रहते हैं ना उसके आसपास काफी ज्यादा थे। तो यहाँ पे दोस्तों नीथूर की जो ग्राम पंचायत है उन्होंने बोला है कि ये जो मंकी पार्क है इसको यहाँ पे नहीं बनाया जाए, वरना KFD कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है ये हुआ था, ठीक है, कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज है जो कि इसका नाम है। और स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑर्डर पास किया गया था मंकी पार्क बनाने के लिए, और शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बनाने के लिए, क्योंकि काफी सारे बंदर थे तो बोला गया कि भाई बंदरों का एक क्या बना दो, एक पार्क ही बना दो ताकि सारे बंदर जो है वहीं पे खेलते रहे कूदते रहे, बाहर आने की जरूरत ना पड़े। तो 150 एकड़ की एक अनयूज्ड जमीन है जो कि पड़ी हुई थी, और 305 ठीक है, और सर्वे में 305 मंकी है जो कि यहाँ पे पाए गए। तो बताया गया कि भाई सबको एक जगह दे दो, लेकिन यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे बताया। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि KFD क्या होता है, तो KFD क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज, एक ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि मंकी से इंसान के अंदर जो है उसके काटने के ऊपर फैलता है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। और 12 लोग पहले मर चुके हैं इसी डिस्ट्रिक्ट में KFD की वजह से, 2018-19 के अंदर 12 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, 350 केसेस है जो कि पेंडिंग पड़े हुए, रिपोर्ट कर रखा है कि भाई उनके भी हुआ है, तो इस चीज को लेकर यहाँ पे बताया गया। साथ में मंकी पार्क भी आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ, और यहाँ पे क्लियर आर्ट, ऑपरेशन क्लियर आर्ट के बारे में जानकारी लेंगे, साथ में ताजमहल का रेवेन्यू बताया गया इसके बारे में जानकारी लेंगे, 1,00,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया GST रेवेन्यू नवंबर के अंदर, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो यहां पे ये सब हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये है क्या दोस्तों, देखो ये हमारे पूरे सेंट्रल पूरे देश के अंदर चलाया गया है। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों कि जो पेंटर्स होते हैं ना जो पेंटिंग करते हैं, पेंटर्स के जो ब्रश होते हैं ना, पेंट ब्रश जिनको अपन कहते हैं, तो वो क्या कई सारे हेयर से बना हुआ होता है। तो अभी एक तो आर्टिफिशियल हेयर होते हैं, और एक यहां पे मोंगूज है, ठीक है ना, वो नहीं होता क्या क्या बोलते हैं इसको अपन, नेवला। तो नेवला के जो ये हेयर होते हैं ना, ओके, ये देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो इससे क्या होता है कि पेंट के ब्रश बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी ऐसा इनकी जो इनके हेयर से जो बनते हैं ना ब्रश, इनकी क्वालिटी जो है वो काफी जबरदस्त होती है। पेंट जो होता है उसको ये काफी टाइम तक रिटेन कर लेते हैं, और रिटेन करने से पेंटर को जो है वो काफी मदद मिलती है एक अच्छी पेंटिंग और एक क्वालिटी पेंटिंग बनाने को लेकर। लेकिन इस वजह से होता क्या है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो पेंटर ले लेते हैं, ओके, और इसके अलावा उनके पास जो बाकी सेकंड नंबर की जो क्वालिटी है ऑल्टरनेटिव, वो जो है वो बहुत वीक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर क्या हो गई, इसकी डिमांड क्रिएट हो गई। अब जब डिमांड क्रिएट हो जाती है तो जनता तो आपको मालूम ही है, जनता तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो कई सारे लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। इसका जो नेवला है इसको बोलते हैं मोंगूज, तो इसकी स्मगलिंग करने लग गए, इसको मारने लग गए, इसको जो है वो ट्रैफिकिंग करने लग गए। 150 kg मोंगूज हेयर है जो कि 6,000 एनिमल से जो है उनको मार के निकाला गया है, ऐसा एस्टिमेशन किया गया है। मोंगूज को भी सेकंड लिस्ट जो है हमारे शेड्यूल की सेकंड पार्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंडर इंक्लूड किया गया है, समझ गए, और ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है, समझ गए ना, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जाके आपको बेल मिलेगी। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया कि आप इसकी स्मगलिंग और पोजेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरे देश के अंदर छापेमारी करी गई, और आप देख सकते हो दोस्तों कि 2017 के अंदर 60,000 ब्रश है जो कि सीज करी गई, 18 में 80,000, 19 में 54,000 ब्रश है जो कि पकड़ी गई है, और नियर बाय 50 लोगों को इस बार अरेस्ट है जो कि किया गया है। अभी रिसेंटली जो करी गई, ठीक है, वो 200 ऑफिशियल जिसके अंदर पुलिस वाले भी थे बहुत सारे, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने छापेमारी करी, रेड मारी, और उसके बाद में वहां पे कई लोगों को उन्होंने पकड़ा। 26,000 ब्रशेज है, 100 किलो रॉ मटेरियल उनको जो होते हैं ना बालों का वो मिला है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कितने लार्ज स्केल के ऊपर इलीगल ट्रेड है जो कि हो रहा है मोंगूज की एयर का। अब भाई उसके बाल चाहिए तो उसको मारना ही पड़ेगा, ऐसे तो वो बाल देगा नहीं। तो इस तरीके से कई जगह पे, जयपुर में, मुंबई में, केरला में, सब जगह पे जो है इस ऑपरेशन की शुरुआत करी गई है।
पैन इंडिया ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया गया है, समझ गए, ऑपरेशन क्लीन हार्ट। ध्यान रखिएगा पेपर में आपसे पूछेंगे, पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दे दी है, ठीक है। एक जो नेवला होता है वो 30 से 40 ग्राम है जो कि बाल है जो कि देता है, जिसमें से 20 से 25 ग्राम जो है वो ब्रश बनाने के अंदर काम में आ जाता है, यानी कि दो ये मान सकते हो दो ब्रश बन रहे हैं एक नेवला के बालों से। तो यहाँ पे 26,000 ब्रश है जो कि देखने को मिले हैं, तो कितने नेवला जो है इन्होंने सल्टा दिए अपने जीवन के अंदर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे ताजमहल को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों डेटा दिया गया है ताजमहल के रेवेन्यू को लेकर, और यहाँ पे बताया गया है कि भाई कितना रेवेन्यू है जो कि ताजमहल ने कलेक्ट किया है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या एक फेक न्यूज़ है जो कि चल रही थी, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर बताया गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने ज़्यादा पैसे कमा लिए ताजमहल से, और ऐसी कई सारी अफवाहें जो कि उड़ाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ताजमहल का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, और दुनिया के आपको मालूम है टॉप जो होता है ना 7 वंडर उसके अंदर है। तो ताजमहल का रेवेन्यू बताया गया कि यहाँ पे नियर बाय दोस्तों 70 लाख विजिटर है जो कि आए 18-19 के अंदर, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। और यहाँ पे 78 करोड़ रुपए है जो कि ताजमहल ने अर्न करे हैं, समझ गए, 78 करोड़ रुपए, ठीक है। हर किसी का डाटा दिया हुआ है, आगरा फोर्ट का, अकबर टॉम का, फतेहपुर सिकरी का, सब जगह का। अभी यहाँ पे गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल डिटेल शेयर करी गई थी, जिसमें टूरिस्ट का फुटफॉल बताया गया कि 26 लाख के आसपास लोग हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आए, ठीक है। ये जो फिगर है दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ आपको 10 महीने का, नवंबर 2018 से लेकर सेप्टेम्बर 2019 तक का, यानी कि नियर बाय 10 से 11 महीने का आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है आपको, ऑलमोस्ट क्या 31 अक्टूबर से लॉन्च हुआ था पिछले बार, और अभी 31 अक्टूबर निकल चुका है, समझ गए। तो यहाँ पे 26 लाख टूरिस्ट है जो कि आए, और रेवेन्यू जो है ना टिकट बेचने के बाद वो 57 करोड़ है जो कि यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। 3,000 करोड़ रुपये लगाने के बाद में अगर आप बैंक में भी पैसा देते हो ना तो भी आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, पता है आपको। यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट जो टिकट बेचने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो 57 करोड़ रुपए जो कि हुआ है, ओके समझ गए। गुजरात के अंदर दोस्तों 2019 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6.5 करोड़ लोग हैं जो कि आए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सारे मिला के, समझ गए, जिसमें से NRI और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो 12.5 लाख लोग थे, ठीक है। तो यानी कि जितनी हाइप क्रिएट करी गई थी उतनी हाइप जो है वो हुई हो नहीं पाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने को लेकर। एक होता है ना चाव होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियर बाय 6.25 करोड़ विजिटर गए गुजरात के अंदर, उसमें से मात्र 26 लाख लोगों ने जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने में इंटरेस्ट दिखाया। और ये पहले साल था जब सबसे ज़्यादा हाइप हुई थी, कोई चीज़ बनती है ना तब सबसे ज़्यादा हाइप होती है। अभी इसका जो है वो डाटा जो हुआ ना फुटफॉल वो धीरे धीरे गिरता ही जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेक न्यूज़ चल रही थी तो उसको लेकर मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या रियल है और क्या फेक है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। और यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया दोस्तों मुख्यमंत्री को लेकर। आपको मालूम है फडणवीस दोस्तों अभी 3 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, और फडणवीस 4थे सबसे कम टाइम तक के सीएम बनने वाले सीएम बन चुके हैं फॉर्मर। सबसे एक दिन के लिए हरीश रावत बने थे दोस्तों 2016 के अंदर, हरीश रावत एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए हरीश रावत बने थे। उसके बाद 2 दिन की बात करें तो यहाँ पे जगदम्बिका पाल है, ओके, जो कि उत्तर प्रदेश के थे 1998 में 2 दिन के लिए वो बने थे। उसके बाद में 2 दिन के लिए येदुरप्पा बने 2018 के अंदर कर्नाटका। उसके बाद में 4थे नंबर पे आ चुके फडणवीस। तो ये 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन की अगर आप बात करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2014 के बाद में 3 जो सबसे लीस्ट है वो यहीं पर ही है। 6 दिन के लिए रवि नायक भी बने थे गोवा के, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों एक दिन का जो था सबसे पहले हरीश रावत जो कि अनिल कपूर की बराबरी कर चुके हैं नायक पिक्चर के। उसके बाद में जगदम्बिका पाल, 3रे नंबर पे येदुरप्पा, 4थे पे देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 की तरफ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि है फार्मर को लेकर, कि फार्मर होता कौन है इसको लेकर। दोस्तों हो सकता है कि आपको पता हो कि फार्मर कौन होता है, लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनको इस बारे में नहीं पता कि हमारे देश में किसान होता कौन है।
इसके अलावा इंडिया और स्वीडन ने दोस्तों एमओयू साइन किया है पोल साइंस कॉरपोरेशन को लेकर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि भाई पोलर साइंस कॉरपोरेशन को लेकर कौन से दो देशों ने काम कर रहे हैं, तो इंडिया और स्वीडन साथ मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों, मैरीटाइम कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है जो कि ये साइन कर रहे हैं। स्वीडिश रॉयल कपल जो है, सीनियर मिनिस्टर जो है, अभी सभी इंडिया आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। और रशियन बेसिस जो है उसका भी एक्सेस इंडिया को मिलने वाला है, लॉजिस्टिक को लेकर, ऑपरेशन को लेकर, आर्कटिक वाला जो एरिया ना उसके अंदर। तो यहाँ पे इंडिया और स्वीडन भी साथ मिलकर जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है जो कि अभी लोकसभा के अंदर हुई है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे पार्लियामेंट के अंदर लास्ट वीक में सवाल पूछा गया कि भाई किसान कौन होता है, तो दोस्तों वो जवाब ही नहीं दे पाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पता नहीं किसान कौन है। उन्होंने दोस्तों बताया कि भाई हमारी जो स्कीम है वो किसानों को मदद करती है और किसानों के लिए भले के लिए बनाई गई है, पीएम किसान योजना से हम डबल इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा। तब उनसे बोला गया कि भाई बताइए किसान कौन है, तो उन्होंने किसी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दिया। और एक रिटर्न रेस्पॉन्स जरूर दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सेंटर की जो इनकम सपोर्ट स्कीम है उससे कल्टीवेबल लैंड जो है ओनर है उनको हम फायदा पहुंचा रहे हैं पीएम किसान से, तो जो जो कल्टीवेबल लैंड का जो हिस्सा है वो किसान है, ऐसा एक बोल दिया गया एक हिंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब थोड़ी सी फैक्ट फाइंडिंग हुई तो क्लियर डेफिनेशन है जो कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर के अंदर डिफाइन करी गई है, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर जो कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा 2007 के अंदर, इसको सेंटर के द्वारा अप्रूवल भी कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर फार्मर की डेफिनेशन क्लियरली तौर पे मेंशन करी गई थी कि कोई भी पर्सन इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपनी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी ग्रोइंग क्रॉप को उगा रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि कोई कल्टिवेटर है, लेबर है, शेयर क्रॉपर है कोई, ठीक है, पोल्ट्री का काम कर रहा है, लाइव स्टॉक का काम कर रहा है, बी कीपर का, फिशिंग का, ओके, प्लांटर है, प्लांटिंग लेबर है, इन सभी को दोस्तों फार्मर की कैटेगरी के अंदर डाला गया था। सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, इन सबको काम करने वाले को फार्मर जो है वो बताया गया था। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास में जमीन है तो ही आपको फार्मर माना जाएगा, ठीक है। अगर कई सारे लोग होते हैं जो कि आपको मालूम है ना 50-50 करते हैं, जमीन किसी और की होती है, खेती उसके ऊपर कोई और करता है, ओके, तो जो भाई खेत जमीन जिसकी होगी वो तो शहर में रह रहा है, तो भाई वो किसान थोड़ी ना है, किसान तो वो है जो उसके ऊपर काम कर रहा है, समझ गए। तो उसको भी तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे उनको भी इंक्लूड ऑलरेडी इसके अंदर कर रखा है, ठीक है। तो सब तरीके के जवाब ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है फार्मर पॉलिसी के अंदर जो कि 2017-7 के अंदर स्वामीनाथन जी के द्वारा ऐड करी गई थी, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर बनाया गया था उस टाइम के ऊपर, समझ गए। अभी यहाँ पे दोस्तों ये बात बोली गई, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई जगह पे डिस्कशन किया गया, 2011 के सेंसस के द्वारा भी बताया गया कि हमारे देश के अंदर 11.8 करोड़ कल्टीवेटर्स हैं और 14.4 करोड़ एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं। हमने कभी भी डायरेक्टली जो है वो पता नहीं किया है सेंसस के, मतलब कि भाई किसान कितने हैं। अगर हम ये चीज हमें मालूम है कि 70% जो है दोस्तों ग्रामीण भारत है, और ग्रामीण भारत के अंदर आपको मालूम है मेजर जो काम होता है वो किसका होता है, खेती का ही होता है, समझ गए। तो इस चीज से हम मान सकते हैं कि हमारे पास किसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे सेंसस के तहत जो बताया गया था कल्टीवेटर वो 12 करोड़ थे और एग्रीकल्चर वर्कर वो 15 करोड़ के आसपास थे, यानी कि 25 करोड़ के आसपास, तो यहीं पर ही पता लग जाता है। कई बार बोला गया कि भाई आधार से लिंक कर दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, जीपीएस, जीआईएस, आधार, ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर पता करना चाहे कि एक्चुअली में किसान कितने हैं तो आज के टेक्नोलॉजी युग के अंदर पता कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है, एक विल की है, अगर विल होगी तो डेफिनेटली पता कर लिया जाएगा। कई जगह पे तो दोस्तों 60-70% जो फार्मर होती है वो किसान होती है, महिलाएं होती है, महिलाएं खेतीबाड़ी में बहुत काम करती है, तो उनके पास कोई ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो उनको भी तो एज ए किसान आपको कन्वर्ट मानना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसान की डेफिनेशन पता लग गई होगी, किसान होता कौन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। पेज नंबर 14 की बात करें दोस्तों तो यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 6 यूरोपियन कंपनी ने, कंट्रीज ने ईरान को सपोर्ट करने के लिए बार्टर सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया है। आपको मालूम है यूएस ने सैंक्शन लगाया था कि भाई कोई भी डॉलर के अंदर जो है
वो किसी भी तरीके से क्या नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा ईरान से। इकोनॉमिकल सैंक्शन है जो कि लगाए गए थे। आपको मालूम है भाई, डॉलर के ऊपर जो मेजर कंट्रोल है, देखो दुनिया में मेजर जो करेंसी है ना वो डॉलर ही मानी जाती है, और इसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो यूएस है, समझ गए। तो यूरोपियन देशों ने क्या इसका तरीका निकाला कि चलो भाई ठीक है, अगर हम डॉलर की बात मना करिए इन्होंने, तो हम क्या कर लेते हैं, बार्टर सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आईएस, ठीक है, इंस्ट्रेक्ट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है, ये एक बार्टर मैकेनिज्म बना लिया। अभी क्या होगा कि अगर ईरान से तो मिलेगा इनको ऑयल, क्रूड ऑयल, और उसके बदले में बाकी जो सामान होगा ना उसकी सेम रेट के ये लोग सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट है जो कि दे देंगे, यानी कि पैसों के अंदर लेन देन करेंगे नहीं, बात ही खत्म हो गई। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा तरीका निकाल लिया, और उससे यूएस को जो है वो काफी गुस्सा भी आएगा। देखते आने वाले दिनों के अंदर जो है ट्रंप और क्या करने वाले हैं। तो सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। इसको फ्रांस, जर्मनी, यूके, इसके अलावा नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, इन सभी ने दोस्तों इसको ज्वाइन कर लिया है। आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये फुल फॉर्म देख लो। निकल सर पानी दे यार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चल ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना जो कि पेज नंबर 20 को लेकर, और यह है दोस्तों मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर। यहां पे देख सकते हो मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई जो कि T20 की होती है, जिसके अंदर कर्नाटका ने दोस्तों तमिलनाडु को हरा दिया। कर्नाटका के बैट्समैन वर्सेस तमिलनाडु के बॉलर, ये टूर्नामेंट था, और मात्र फाइनल दोस्तों एक रन से जो है ये जीत गए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते रहते हैं। अक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और इस साल की जो थीम है वो क्या है, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ये थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, जो HIV वायरस है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये जो वायरस है दोस्तों वो कभी भी बहुत जगह पे लिखा रहता है कि किस करने से जो है वो भी हो जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। HIV कभी भी किस करने से नहीं फैलता है, साथ रहने से और खाना शेयर करने से, इन सबसे नहीं होता है, ध्यान रखिए। 2017 के एस्टिमेशन के हिसाब से 21 लाख, नियर बाय 22 लाख लोग के आसपास है जो कि HIV के साथ में हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो 21 से 22 लाख है जो कि इन्फेक्टेड है। आगे बात करते हैं, इंडिया बिकेम्स द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल। तो पहला कंट्री बन चुका है इंडिया जिसने पूरा हज प्रोसेस को डिजिटल है जो कि कर दिया है, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ई वीजा मोबाइल ऐप है, ई मसीहा, ये लॉन्च करी गई थी, जिससे सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। BSF ने सेलिब्रेट किया 55वां राइजिंग डे 1 दिसंबर को दोस्तों। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1995 के अंदर जो है और इसको रेज किया गया था, 1965 के टाइम पे, 65 के टाइम पे जो है इसको बनाया गया था, और ठीक है काफ़ी साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। BSF का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। BSF जितने भी बॉर्डर वाले एरिया पे सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो अपने हमेशा BSF ही होती है, ठीक है ना, आर्मी तो बाद में आती है। नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस है वो मनाया दोस्तों, 57 स्टेटहुड डे है जो कि 1 दिसंबर को मनाया। 1963 के अंदर दोस्तों ये यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हुआ था। ओके, उस टाइम पे राधा कृष्णन जी थे जो कि प्रेसिडेंट थे। अभी यहाँ पे कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर रवि जी है और CM नेफ्यू रियो है। साथ में ऑनबिल फेस्टिवल भी नागालैंड के अंदर स्टार्ट है जो कि हो गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नाना पटोले, मैंने आपको बता दिया है, ये विधानसभा के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के जो कि बन चुके हैं। इराक के जो PM है आदेल अब्दुल, उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा है जो कि दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि काफ़ी एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट है जो कि वहाँ पे देखने को मिला था, तो वहाँ के कैबिनेट ने जो है वो प्रेशराइज किया और अभी इनको वहाँ पे रिजाइन देना पड़ गया है। 400 से ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी तक मर चुके हैं ईरान के अंदर इस प्रोटेस्ट की वजह से। कोई जॉब नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पुअर सर्विसेज हैं, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से ऐसा किया गया है। सोमा रॉय बर्मन ने ई महालेखा नियंत्रण के रूप में कार्यभार संभाला है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है जो कि यहाँ पे सोमा रॉय है जो कि बनी है। 7th है वुमेन है जिन्होंने इस पोजीशन पे गई है। 86 की बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर थी दोस्तों ये, 33 साल का इनका लॉन्ग करियर है।
साथ में देखते हैं आज के दिन जो है 2 दिसंबर को दुनिया में क्या हुआ था। सबसे पहले 1804 के अंदर जो कैथेड्रल है पेरिस के अंदर, उसके अंदर जो है शपथ समारोह, क्राउन जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को कर लिया था 1804 में। 1971 की बात करें, अबू धाबी, फुजरा, शारजा, दुबई, ये सारे इमिरेट्स बन गए यूएई के। 1988 के अंदर बेनजीर भुट्टो ने पीएम के तौर पे शपथ ली, पहली मुस्लिम देशों की महिला पीएम बनी थी। 89 के अंदर वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और 93 के अंदर कोलंबिया के जो ड्रग लॉर्ड था पैब्लो, ओके, वो उसको मार दिया गया। आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस जो कि सुरेंद्र विश्नोई का है। इन्होंने बोला कि मैंने 12वीं पास करने के बाद से ही आपका सेशन देखना चालू कर दिया, पीटीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई किया, तैयारी ऑनलाइन करी, सेशन देखा पूरी तरीके से, 9 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का था, और सारे के सारे क्वेश्चन सही करे, और राजस्थान में इनकी रैंक है जो कि 464 है जो कि आई है, ओके, अभी इनको गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि अलॉट हो गई है, और इन्होंने थैंक यू बोला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप भी अपने एग्जाम की रेगुलर प्रैक्टिस इसी तरीके से करते रहेंगे, रेगुलर सेशन देखेंगे, शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी बच्चे अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं एक फन फैक्ट जो कि यहाँ पे आपको पता होगा कि अपने इंडिया के अंदर भी दोस्तों 225 आई जो लेवल है, ठीक है, 225 का जो आईक्यू लेवल है, वो हमारे देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइंस्टीन को, स्टीफन हॉकिंग्स को, लियोनार्डो डी विंची को, ओके, इन सभी को पीछे कर दिया, और ये मात्र 25 साल की, और ये हमारे देश से बिलोंग करती है, ठीक है। इनके बारे में शायद ही कभी मीडिया बताए, लेकिन ठीक है, अपने इंडिया में भी ऐसे लोग हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है BHUNSS भुवनेश टेन है जो कि सब्सक्रिप्शन, अगर आपको अकेडमी पर कोई भी लेना है। रेलवे में दोस्तों मेरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है, अगर आपने मेरे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ी है रेलवे में, तो कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 दिसंबर से। साथ में LIC मेंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 5 दिसंबर से, और साथ में हिस्ट्री है जो कि CGL में चल रही है। लेना कैसे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों गोल आपको सेलेक्ट करना है, आपका कोई सा भी गोल हो, आपको यहाँ पे भुवनेश टेन है जो कि यूज कर सकते हो, और आपको 10% ऑफ के साथ में सभी क्लासेज हैं जो कि आपको मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल आपने रेलवे का लिया, फिर यहाँ पे प्लस में गए, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में, और 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन मिला, 12 महीने का लीजिएगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा, और एक लॉन्ग प्रिपरेशन NTPC 1, 2 और ग्रुप डी के हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने SSC का ले लिया तो CGL, CHSL, MTA, GD सबकी तैयारी कर सकते हो। रेफरल कोड के अंदर BHUNSS भुवनेश टेन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला, विश्व एड्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सीमा सुरक्षा बल ने डैश को अपना 55वां स्थापना दिवस है जो कि मनाया है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का डैश राज्य है जो कि बन गया था। अडेल अब्दुल मेहंदी ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिया? किसे नए महालेखा नियंत्रण के रूप में पदभार दिया गया है? हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह बाला सिंह कौन थे? भारत ने किस देश के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? इसरो ने अपनी अंतरिक्ष ग्रेडली आयन सेल तकनीकी किस कंपनी को हस्तांतरित करी है? पीएम आवास योजना के तहत कितने और घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये थे आज के सवाल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।